हेलो, गुड मॉर्निंग क्लासिक्स के बच्चों। आज मैं आपके हिंदी की पाठ पुस्तक से एक्सरसाइज 11, अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो ये बुद्धिमान व्यक्ति थे, कवि थे। अमीर खुसरो ये कवि थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पहेलियाँ और मुकड़ियाँ लिखी। पहेलियाँ जो आज हम लोग बुझौवल के रूप में गाँव घर में लोग कहते हैं बुझौवल, तो उस समय वो अभी अमीर खुसरो भी बुझौवल या पहेली गांव में किया करते थे, जिस कारण से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी रहती थी। अब यहाँ भी उन्होंने तीन पहेली दिया है। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा पड़ा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक में लगी रहे। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक थाल मोती से भरा, थाल क्या है तो आसमान है, मोती क्या है तो तारे हैं। ये इस तरह से इसका आंसर यह हो जाएगा। उसके बाद, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यो ज्यो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। यह देखिए, इसमें सांप कौन है तो दीपक और बाती। दीपक है जो वह जेल के समान है, और उसमें बाती जो है वह सांप के समान है। जैसे जैसे तेल खोता है ताल खाए, जैसे जैसे वह तेल को खा के रोशनी देता रहता है, धीरे धीरे तेल समाप्त हो जाती है, बत्ती बुझ जाता है, इस तरह से वह सांप मर जाता है। उसके बाद तीसरा है, श्याम वरण पीताम्बर धारे, मुरली धर नहीं होए। मतलब श्याम वरण पीताम्बर धारे, पीताम्बर धा कांधे, कांधे जिसके कंधे पर पीले रंग का वस्त्र हो और रंग उसका काला हो, श्यामला हो, तो क्या वह कृष्ण होगा? नहीं, मुरलीधर नहीं होए, उसके पास मुरली नहीं है। बिन मुरली वह नाद करता है, बिन मुरली वह नाद करता है। जैसे मुरली की आवाज़ होती है, वैसे ही उसकी आवाज़ भी होती है। बुझे बिरला हो, और जो बुझे वह ज्ञानी हो। ऐसा कौन सा है? तो ऐसा एक कीड़ा है जो फूलों का रस चूसता है। आपको याद होगा भंवरा, भंवरा को आपने देखा होगा, वह काला काला होता है और उसके गर्दन पर पीले रंग की रेघा होती है, पीले रंग के आवरण के जैसा होता है। इस तरह से आप इसको भंवरा कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, पान सरा क्यों, घोड़ा अरा क्यों, ये सभी सुखने हैं। पान सरा क्यों, घोड़ा अरा क्यों, तो देखिए, पान सरा क्यों, घोड़ा अरा क्यों, क्योंकि उसको फेरा नहीं था। फेरा का मतलब, अब पान को एक जगह रख दीजिए, पान के ऊपर पान, पान के ऊपर पान, पान के ऊपर पान, अगर प्रतिदिन उसको सुबह शाम अलग अलग नहीं करते हैं तो वह सड़ जाएगा। ठीक उसी तरह से घोड़ा को, अगर आप सुबह शाम थोड़ी सी उसकी मालिश नहीं करते हैं, थोड़ा सा उसको घुमाते नहीं हैं, तो घोड़ा बेकार होने लगता है। उसके बाद है, पंडित क्यों पिपासा, गधा क्यों उदासा, प्यास लगी तो क्यों पिपासा, और गधा क्यों उदासा, और गधा क्यों उदासा, क्योंकि लोटा ना था। अब गधा को देखेंगे, खाना खाने के बाद अगर वह लोट पोट नहीं करे तो। उसके बाद, पंडित क्यों पिपासा, खाना खाने के बाद वह अभी अगर थोड़ा लेट नहीं जाए तो उसके मन में भी पीड़ा होने लगती है। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, और फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर तो इसमें है नहीं, तो अब मैं आपको दूसरे दिन फिर दूसरे चैप्टर को पढ़ाऊँगा।